अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं आपसे अपनी हैंड केयर रूटीन शेयर करूंगी जल्दी जल्दी। हैंड्स का क्या होता है कि हम लोग किचन में बहुत ज़्यादा काम करते हैं और बार बार हमें हैंड वॉश करने पड़ते हैं, और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम ये भी बॉदर नहीं करते कि किचन में हमने जो हैंड सोप रखा हुआ है उसको यूज़ करें। हम वही जो बर्तनों वाले हमारा जो सोप या लिक्विड होता है हम उसी को यूज़ करके हैंड वॉश कर लेते हैं, और यही रीज़न होती हैं कि हमें जो है ना वो स्किन हमारी बहुत ड्राई हो जाती है। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं अपने हैंड्स की केयर कैसे करती हूँ, क्योंकि ये रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आती है कि मेरे हैंड्स जो हैं वो बहुत लेस रिंकली हैं या शायद रिंकल्स आपको नज़र ही नहीं आते। ये देखें, थोड़े बहुत ऑब्वियसली होते ही हैं, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि जितना मैं किचन में काम करती हूँ उस हिसाब से मेरे हैंड्स बहुत ही मतलब सॉफ्ट भी हैं और रिंकल फ्री भी हैं और स्कार वगैरह फ्री भी हैं मेरे हैंड्स। तो चलिए जी, मैं आपसे डिस्कस करती हूँ अपनी डेली और वीकली रूटीन, और सारी वो टिप्स भी मैं साथ साथ शेयर करूँगी जो मैं फॉलो करती हूँ। वो ये कि कोई ऐसी केयर नहीं है कि मैं सारा दिन इसी की केयर करती हूँ, आपको पता है कि काफ़ी बिजी होती हूँ, लेकिन ये कि छोटी छोटी सी टिप्स हैं, स्टेप्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ तो उनसे मुझे बहुत हेल्प होती है। अदरवाइज़ मेरी स्किन बहुत ड्राई है और अगर मैं इनका ख्याल नहीं रखूँगी तो जितने बर्तन धोने पड़ते हैं, जितना पानी का काम, सोप का काम करना पड़ता है, हाथों का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर वन ये है कि आपने मॉर्निंग में और नाइट में अपने आप को 1 से 2 मिनट बस देने हैं। मॉर्निंग में जब आप फेस वॉश करते हैं, हैंड्स वगैरह वॉश करते हैं, तो अपने हैंड्स पे आपने आपने कोई सी भी क्रीम लोशन जिसमें विटामिन ई हो वो आपने अपने हैंड्स पे ज़रूर लगाना है। नाइट में क्या होता है कि मैं अक्सर ड्रामास वगैरह देख रही होती हूँ यूट्यूब पर अपने बेड पर लेट के या बैठ के, तो उस टाइम पर मैं अपने हैंड्स और फीट पर भी लगा लेती हूँ। तो ये 2 स्टेप्स तो मॉर्निंग इवनिंग के बहुत ज़रूरी हैं। उसके अलावा जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो भी बार बार बर्तन वगैरह धुलते हैं, तो बर्तन धोने के बाद अगर आपने डायरेक्ट किसी फ्रूट या वेजिटेबल को हैंड नहीं लगाना है तो उस वक्त भी मैं क्या करती हूँ कि लोशन मैं अपने हैंड्स पे लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी, यूं यूं करके 2-3 ऐसे दफ़ा उसको एब्जॉर्ब किया, जितना से एब्जॉर्ब हो गया ठीक है, उसके बाद बाकी उसको टिश्यू से मैं अच्छी तरह से पैट कर लेती हूँ ताकि एक्स्ट्रा लोशन जो है वो यूटेंसिल्स पे और इधर उधर चीज़ें ऑयली ना हो। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है तो ही स्किन बेहतर होती है। और एक और चीज़ के अगर हम ऊपर से स्किन की एक्सटर्नली जितनी मर्जी केयर कर लें, अगर हम इनसाइड से अपनी स्किन को ट्रीट नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट्स नज़र नहीं आएंगे। सो मेक श्योर आप अपनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, अगर नहीं खाते तो फिर विटामिन ज़रूर लें। और सबसे बड़ी बात ये कि आप पानी बहुत ज़्यादा पिएं। पानी जो है वो 7 to 8 glasses तो आप दिन में पिएं। अगर आपकी स्किन बहुत रफ है हैंड्स की, तो इसका मतलब है कि आपके फेस की भी स्किन रफ है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन में इतना मॉइस्चर नहीं है कि क्रीम्स और लोशंस वगैरह या कोई भी रेमेडी जो आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर डिफरेंस आपकी स्किन में नहीं लेके आ रही, आपको बेनिफिट नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन को अंदर से थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है, थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत है। तो उसके लिए पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दें, लिटरली 1 से 2 दिन में आप फ़र्क देखेंगे। मैं आपको प्रोडक्ट्स बताती हूँ जो डेली बेसिस पे मैं यूज़ करती हूँ। लोशन क्रीम वो मैं आपको अपना दिखा देती हूँ, लेकिन आप कोई सा भी जो आपके एरिया में अवेलेबल है आप ले सकते हैं, बस उसमें विटामिन ई हो तो वो फिर बहुत अच्छा रहता है ना, आमंड ऑयल, विटामिन ई वगैरह। ये मैं लेती हूँ द फेस शॉप की हैंड क्रीम है ये, और विद विटामिन ई है। और अगर आप फेस शॉप पे आपका एक्सेस है, जिस तरह बॉडी शॉप है उसी तरह फेस शॉप भी है एक ब्रांड, और अगर आपको यहाँ पे एक्सेस है तो इस क्रीम को ज़रूर ट्राई करें। ये थोड़ी सी थिक है और लेकिन ये कि इसके अंदर इतना मॉइस्चर है कि मेरी तो ख़त्म भी होने वाली दूसरा जार। ये देखें इस तरह से है ये, और मॉइस्चर इसके अंदर इतना ज़्यादा है, और लेकिन मज़े की बात यह कि बिल्कुल भी ग्रीसी फिल्म हैंड्स पे फॉर्म नहीं होती। वो भी आप क्रीम या लोशन लें, बस ये देख लें कि आपको वो तंग ना करे, क्योंकि जो चीज़ तंग करती होती है ना इंसान उसको यूज़ करना छोड़ता चला जाता है तो फिर अपना ही नुकसान होता है। ये मैं डेली यूज़ करती हूँ मॉर्निंग में, और नाइट में तो मैं यही क्रीम यूज़ करती हूँ। उसके अलावा डे टाइम में मेरे पास डिफरेंट लोशंस पड़े होते हैं, कोई बाथ एंड बॉडी वर्क्स के होते हैं, कोई निविया का होता है, कोई कुछ जो भी लोशंस हों मेरे पास, मैं उनको इधर उधर कहीं ना कहीं रख लेती हूँ और उनको मैं यूज़ करती हूँ। फिर जब मैं बाहर भी जाती हूँ तो मुझे ज़रा सा भी फील होता होता है कि मेरी स्किन ड्राई तो नहीं हो रही, तो मैंने एक पॉकेट साइज़ ट्रैवल साइज़ मैंने कोई सी क्रीम या कोई लोशन रखा होता है छोटा सा, किसी बॉटल में डाल के आप लोशन रख लें तो वो उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। मतलब मैं किसी तरह से भी मॉइस्चर कम हो रहा हो तो मैं उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती और इग्नोर नहीं करती।
वीकली मैं यूज़ करती हूँ एक तो ये क्रीम है, ये मैंने आपसे एक बार पहले भी लास्ट ईयर भी शेयर की थी, ये क्रीम तो मेरी पास हमेशा से होती है और इसको मैं मतलब रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ, इसको मैं कभी एक वीक में एक बार यूज़ करती हूँ, कभी टू वीक्स में एक बार यूज़ करती हूँ। और ये क्रीम जो है ये स्माइल फुट इसका नाम है और ये पीलिंग क्रीम है और ये भी द फेस शॉप की है क्रीम। और ये सारी पिक्चर्स जो है ये मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप स्क्रीन शॉट ले लें। लेकिन आई थिंक लाइटिंग ऊपर से इस तरह से ट्यूब की आ रही है कि आपको ना ये पता नहीं चला कि क्या है। बहरहाल इंस्टाग्राम पर मैं ये पिक्चर्स शेयर कर दूँगी आपसे। इस क्रीम को यूज़ करने का मेथड बहुत इजी है, ये देखें बिल्कुल वाइट कलर की क्रीम होती है और जैसे हम क्रीम को या लोशन को एब्जॉर्ब करते हैं उसी तरह हम इसे अपने हैंड्स पे रब करने लग जाते हैं, लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं होती, जूं जूं ये रब होती रहती है ये ऊपर से डेड स्किन को रिमूव करती रहती है। और वाइट कलर की क्रीम पीच या लाइट ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है, डिपेंड करता है कितनी डेड स्किन है और वो क्रीम के साथ मिक्स हो जाती है तो वो फिर कलर क्रीम का बन जाता है। और जैसे इरेजर है, हम पेंसिल को इरेज करते हैं पेपर पे से तो शेविंग्स बनती हैं ना इरेजर की, बस वैसे ही इरेजर की शेविंग्स बनती चली जाती हैं। तो ये देखें इसमें रेड स्किन मिक्स हो रही है और बस ये अपना काम कर रही है। और मैं वीक में एक बार इसे यूज़ करती हूँ, कभी ना ज़रूरत फील हो तो नहीं करती हूँ, दो वीक्स में एक बार कर लेती हूँ। और मुझे जब से मैंने ये केमिकल पीलिंग स्टार्ट की है, मुझे मैनीक्योर पेडीक्योर वगैरह के लिए जाना नहीं पड़ता है पार्लर, और फेस के लिए भी नहीं जाना पड़ता, सिर्फ ये कि एक्ने का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा था तो इस वजह से मैं जाती थी, अदरवाइज मुझे फेस की केयर की मतलब अलहदा से ज़रूरत नहीं है। तो केमिकल पीलिंग जो है ये कोई हार्मफुल नहीं होती है, फिजिकल पीलिंग से बेटर होती है। फिजिकल पीलिंग जैसे कि हम स्क्रब यूज़ करते हैं उससे ना तो इतने रिंकल्स रिमूव होते हैं, ना ही स्कार्स रिमूव होते हैं, ना ही डेड स्किन प्रॉपरली रिमूव होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो इससे जो है आप यूज़ करते रहेंगे ना पीलिंग क्रीम्स को, जरूरी नहीं कि जो मैं यूज़ करें आपने वही करनी है, प्रोडक्ट बिल्कुल भी कुछ भी इसमें से स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन मुझे चूंकि ये पसंद है तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये वाली बहुत अच्छी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एनीवेज ये पीलिंग क्रीम जो है अगर आप यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि 2 से 3 मंथ्स ही अगर आप यूज़ करेंगे ना तो हैंड्स पे आपके जितने भी स्कार्स हैं या फीट पे अगर जैसे शूज़ पहनने से कोई बन जाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चले जाएंगे, और अगर कोई आपके हैंड्स पे रिंकल्स वगैरह हैं तो वो भी स्मूद आउट होती जाती हैं क्योंकि ये बिल्कुल इवन तरीके से ऊपर से डेड स्किन को रिमूव करती है। स्क्रब की तरह नहीं है कि कभी कहीं से रिमूव कर दिया कहीं से नहीं, डिपेंड करता हम कितना प्रेशर लगा रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो स्किन पे थोड़े स्क्रैच भी आ जाते हैं जो नज़र तो नहीं आते हैं लेकिन स्किन थोड़ी सी छिली हुई सी फील होती है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए केमिकल पीलिंग बेस्ट है। फेस के लिए जो है मैं ये वाली सेम क्रीम नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि ये फेस के लिए बहुत हार्श है, ये जस्ट हैंड्स एंड फीट के लिए। फेस के लिए जो है वो मैं ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करती हूँ, और आप चाहें तो आप जेंटल वाला वर्जन जो है द फेस शॉप का है, फेस नहीं किसका है, बॉडी शॉप का, हाँ बॉडी शॉप का ऑरेंज वाले फ्लेवर में है उनकी फेस पीलिंग क्रीम, वो आप यूज़ कर सकते हैं या जो भी आपको अच्छी लगती है आप वो यूज़ करके देख सकते हैं। सो इसको ट्राई ज़रूर करके देखें, मेथड बहुत अच्छा है और बहुत कन्वीनियंट है और बहुत इफ़ेक्टिव भी है। जब स्किन पीलिंग हो जाती है तो फिर मैं या तो इस तरह से, मेरे पास ये चूँकि ऑलरेडी पड़े हुए हैं तो मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन ये ख़त्म हो जाएंगे तो मैंने और हैंड के लिए इस तरह से ग्लव्स वगैरह टाइप जो मास्क होते हैं ना शीट मास्क, वो मैंने हैंड्स के लिए नहीं लेने क्योंकि जो मुझे तरीका DIY मिल गया हुआ है वो बहुत अच्छा है, बहुत ईजी है, उसके लिए कोई प्रोसेस एक्स्ट्रा करना भी नहीं पड़ता और जितनी बार चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो आई थिंक हाँ 30 dirhams का, 30 riyals का सऊदी अरब से मैंने लिया था इधर से होम सेंटर से, तो ये हर जगह अवेलेबल होते हैं, कहीं से भी आप ले सकते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ। अपने हैंड्स को पील करने के बाद या जो भी आपने अपने हैंड्स के लिए प्रोसीजर यूज़ करना है उसके बाद मैं ये करती हूँ कि ये ग्लव्स ले लेती हूँ और ग्लव्स के अंदर में डाल लेती हूँ इसकी 1 teaspoon, अगर आपके पास आलमंड ऑयल है तो वो भी आप इसमें साथ में डाल सकते हैं। ये इसके अंदर डाल दें और फिर उसके बाद आप इस ग्लव को पहन लें, ये देखें, और उसके बाद आप ये सारा जो है ना इसको अच्छी तरह से इस तरह से लगा लें कि पूरे हैंड्स पे लग जाए, और इसको 10-15-20 मिनट के लिए जब तक कि ये पूरा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं हो जाता आप इसको लगा रहे पहने रखें ग्लव्स को, और ये भी आप वीक में एक दफ़ा कर लिया करें। और बस ये मेरी हैंड केयर है, और उसके बाद हैंड्स इतने सॉफ्ट होते हैं और ये ग्लव पहनने की वजह से ना एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है कि
जो जो भी आपने ऑयल लगाया है उसको एब्जॉर्ब होने के लिए। नॉर्मली क्या है कि हम हैंड्स पे यूं ही रब करने लगेंगे तो कितनी देर रब करेंगे, इतनी देर तो नहीं कर सकते। तो ये हमारा इसी टाइप का मास्क हो गया, लेकिन ये बहुत ही इकोनॉमिकल भी है, कन्वीनियंट भी है, हर घर में अवेलेबल होता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव भी है। और अगर आपके पास ये नहीं है ना, तो फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आपने वो भी DIY करना है तो आप थोड़े से नीम गर्म पानी में थोड़ा सा शैम्पू डाल सकते हैं और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं और अपने हैंड्स को सोक करके रखें और उसके बाद थोड़ा सा नेल्स वगैरह की जो ब्रश होता है उस ब्रश से अपनी स्किन को यूं रब कर लें तो बहुत अच्छे से जो है वो रिजल्ट्स आ जाते हैं। बहरहाल मैं वो तरीका नहीं करती, मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ जो मैं करती हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बस ये 2-4 से क्विक से मेथड्स हैं मेरे और बहुत मुझे इससे हेल्प होती है और मेरे हैंड्स की स्किन आपके सामने है। अपने फीट के लिए भी इसी तरह ही मैं करती हूँ। अगर आपके पास ये ग्लव्स भी नहीं है ना, या अगर आपने यही प्रोसीजर फीट के लिए करना है, तो फिर आप जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं कोई भी शॉपर होते हैं वो भी आप हैंड्स पे या फीट पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपसे फेस की केयर भी यूज़ शेयर करूँगी और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।